नमस्कार मित्रों, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी से जुड़ी हुई बात की। भाई, बीएसटीसी है क्या, कब की जाती है और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड सारी सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बीएसटीसी राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कोर्स है और प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए एक आवश्यक योग्यता के रूप में देखा जाता है और इसे किया जाता है वो है 12th करते समय या 12th के बाद। इस कोर्स को लेकर विद्यार्थियों में उत्सुकता बढ़ने लगती है, मतलब आप 12th करने के 12th चल रही है तो भी आप जो बीएसटीसी का फॉर्म या डीएलएड फॉर्म निकलता है वो फिल कर सकते हैं और 12th होने के बाद में भी आप फिल कर सकते हैं। अब बात करें बीएसटीसी है क्या, तो बीएसटी 2 साल का पूरा एक कोर्स है। इसे 12वीं करने के बाद में किया जाता है। इस कोर्स में विद्यार्थी को प्राइमरी कक्षा में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, यानी ये प्राइमरी टीचर बनने के लिए योग्यता कोर्स है। समझ में आ गया होगा। बीएसटीसी का फुल फॉर्म हिंदी में बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। इसके लिए साइंस, आर्ट्स, वाणिज्य या किसी भी वर्ग का विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है। इसकी अवधि 2 साल की होती है। इसे कई सब्जेक्ट में किया जा सकता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी में। अब बीएसटीसी कैसे करें, तो बीएसटीसी करने के लिए किसी भी प्रतियोगिता को पास 12th पास होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 12th पास कर देने से इस कोर्स में किसी को प्रवेश नहीं मिल जाता। इसमें प्रवेश पाने के लिए हर साल बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होता है। इसके लिए काउंसलिंग की जाती है और मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को कॉलेज का आवंटन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के 12th क्लियर करने से आप लोग बीएसटीसी के में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आपको क्या करना है, वहाँ पर बीएसटीसी का एग्जाम होता है, ठीक है। वहाँ पर उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद में काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के आधार पर कॉलेज मिलती है, ठीक है गाइज। हर साल हर बार 4 से 5 काउंसलिंग सूची जारी की जाती है। अतः अगर आप बीएसटीसी करने के इच्छुक हो तो आज से ही 12th में या 12वीं कर लिए तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन हर साल मई में होता है। अतः किसी भी विद्यार्थी के पास 12वीं की परीक्षा देने के लिए बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने में पर्याप्त समय होता है और कोई भी स्टूडेंट जो अच्छे से 2 महीने के लिए इस एग्जाम को ढंग से प्रिपेयर कर ले तो आसानी से फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम लाकर बीएसटीसी में एडमिशन ले सकता है। तो दोस्तों, मई में हर बार होता है, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन फिक्स है कि मई में हर बार एग्जाम होता है और आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में भी क्लियर हो सकते हो। और बहुत सारे दोस्तों के मन में फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो पूछा जाता है कि कितने साल का कोर्स है, मैंने पहले ही बता दिया 2 साल का कोर्स है। इसके लिए योग्यता, दोस्तों आपको योग्यता के लिए स्पष्ट रूप से बता दूँ 12th पास होना जरूरी है। और यहाँ पे मतलब फॉर्म आप 12th के अंदर भी भर सकते हो, जैसे 12th का एग्जाम दे दिया है फिर फॉर्म निकलता है तो उस टाइम भी भर सकते हो, ठीक है गाइस। और 12th क्लियर है तो भी आप भर सकते हो। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी विद्यार्थियों को इस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए 12वीं 50% अंक होना जरूरी है और ओबीसी एसटीसी के लिए 45% अंक। बीएसटीसी के लिए एज, तो दोस्तों एज अधिकतम 28 साल होनी हो सकती है, 28 से ज़्यादा नहीं हो सकती। विशेष वर्ग के विद्यालय के लिए बाकी वालों को थोड़ी सी कैटेगरी वाइज छूट मिलती है। बीएसटीसी में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो भाई एग्जाम होता है ना बीएसटीसी के, उसके अंदर होते हैं। एक तो मैंडेटरी एबिलिटी आती है, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जाता है। टोटल 200 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। बीएसटीसी कब की जाती है, तो भाई साहब यहाँ बोल दिया 12th करने के बाद में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे ग्रेजुएशन, बीएड या किसी अन्य कोर्स के बाद भी किया जा सकता है। अब बात करें बीएसटीसी करने के बाद कौन सी जॉब मिलेगी, भाई टीचर, प्राइमरी टीचर बन सकते हो आप 1 से 5 क्लास तक। बीएसटीसी करके अध्यापक की नौकरी कैसे पाए, आपको क्या करना होगा दोस्तों, बीएसटीसी क्लियर करनी होगी, 2 साल का कोर्स है। वो करने के बाद में आपको राज्य सरकार के द्वारा जो 3rd ग्रेड भर्ती हो निकलती है, रीट नाम से जाना जाता है, तो उसके अंदर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और वहाँ पर आप अगर क्लियर हो जाते हो तो आपको टीचर के रूप में आप बन सकते हो। बीएसटीसी पूरा नाम बता दिया था, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। डीएलएड क्या है, तो दोस्तों डीएलएड और ये एक ही है, ठीक है। और साल 2019 में सरकार ने बीएसटीसी का नाम बदल के डीलेट कर दिया और इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्कूल या एजुकेशन, सॉरी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएसटीसी करने के फायदे क्या है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, बीएसटीसी शिक्षण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कोर्स है और उसे करने के कई फायदे हैं।
ट्वेल्थ करने या ग्रेजुएशन करने के बाद किसी भी बीएसटी से कोर्स करने से किसी भी को फायदा क्या है। सरकारी स्कूल में प्राइमरी अध्यापक बन सकते हो और अध्यापन के लिए सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाता है। प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीएसटीसी के बाद सीधे बीएड भी कर सकते हैं। अगर आप बीएसटीसी 2020 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आपको फॉर्म वगैरह के लिंक मैं दे दूंगा। आप लोगों को क्या है कि डायरेक्ट मैं लिंक नहीं दे सकता, क्या है कि आगे से आगे हर साल अलग अलग लिंक मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्या है कि उस टाइम मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, तो आपका भाई आपके लिए वीडियो बना देगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिख जाएगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी और अर्जेंट क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टा आईडी का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा तो आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन हाँ, फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे उड़ी साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।